तो ज्योति जी थोड़ा टेक्निकल डिस्कशंस करते हैं। तो जितना मैंने आपके बारे में सुना है लोगों से, तो लोग कहते हैं कि आप बहुत सरल तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को समझते हैं और प्राइस बिहेवियर पे ज्यादा फोकस करते हैं, और सबसे ज्यादा आपका जो कोर स्ट्रेंथ है जो लोगों को समझ में आती है वो है एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। और मैं चाहूंगा कि आज मैं आपके साथ ये ही दोनों चीजों पे चर्चा करूं, बिकॉज अल्टीमेटली मेरा भी ये मानना है कि जिसका ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक है, जो रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, वो लंबे दौड़ का घोड़ा है शेयर बाजार के अंदर में। तो चलिए आप एक अपना टिप्पणी दीजिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इस पर आप बेसिक इंट्रोडक्टरी एक बात करिए। मैं अपना वीडियो बंद कर दूंगा इंटरनेट बचाने के लिए। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट, अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी की हम बात करें तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है लोगों के साथ में कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सी चीजों को समझते हैं और जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उन्हीं चीजों को हम नहीं समझते या हम समझना नहीं चाहते, दोनों में से एक बात है। बहुत सी चीजें मैंने लाइफ में देखी है जो सब मानते हैं, सब जानते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, और ये एग्जाम्पल मैं सभी जगह देती हूँ, मेरे हर सेशन में देती हूँ कि हम लोग सभी लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं और ड्रेस खरीदते हैं। ड्रेस हमको अगर एक बार में हम 2 या 3 ड्रेस खरीदते हैं, वो 2-3 ड्रेस खरीदने के लिए हम कम से कम 20 से 25 ड्रेस निकालते हैं, फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर हम ट्रायल रूम में जाके ट्राई करते हैं कि कौन सी ज्यादा अच्छी लगी है और फिर हम उसको चूज करते हैं। इन सबको चूज करने में हमें करीब करीब 2 से 3 घंटे तक निकल जाता है, और जो हमने खरीदा है वो अराउंड अबाउट 5,000 से लेके 10,000 का सामान होगा, लेकिन उस पर हमने 3 घंटे तक लगा देते हैं, हमें टाइम का पता भी नहीं चलता। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि घर आके वो चीज पसंद नहीं आती है, तो भी हम सोचते हैं चलो ठीक है, आ गया सो आ गया, देखा जाएगा। मतलब 10,000 रुपये वेस्ट चले गए। लेकिन एक बात क्या मैं पूछ सकती हूँ कि 10,000 रुपये की चीज के लिए आपने 3 घंटे लगा दिए कि कहीं मेरा पैसा वेस्ट नहीं हो जाए, इसलिए आपने 3 घंटे लगा दिए, जो कि अगर घर आने के बाद आपको पसंद नहीं आई तो पूरा 10,000 रुपये वेस्ट हो जाएगा, उसमें से एक भी रुपया आपको वापस नहीं मिलेगा। वो या तो गिफ्ट में इधर उधर चली जाती है या फिर वेस्ट कबर्ड में पड़ी रहती है। तो 10,000 रुपए के लिए जब आप 3 घंटे निकाल सकते हो, तो एक लॉट जो 5 से 6 लाख की है, जिसमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, उस पे क्या हम 5 मिनट का रिसर्च भी करना जरूरी नहीं समझते हैं? सही बात है। किसी ने कहा और हमने तुरंत ले लिया और फिर बाद में उसी से कहते हैं भैया तुम्हारे कारण हमको लॉस हो गया। भाई उसने जो स्टडी किया उसने बताया, अभी आप देखो, आप भी देखो, क्यों कि सेल्समैन के कहने पे तो आप नहीं खरीदते ना कि भाई ये चीज अच्छी है। इवन हम मोबाइल भी खरीदते हैं 25,000 रुपए का, तो उसमें भी 3-3 दिन लगाते हैं स्टडी करने के लिए, 4 दिन लगाते हैं। अगर हम टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, उसमें भी टाइम लगाते हैं, यहाँ तक कि हम कार खरीदते हैं तो महीनों लगा देते हैं। 5-10 लाख की कार खरीदने में महीनों लगा देते हैं, लेकिन 5-10 लाख रुपए का लॉट खरीदने में हम 1 सेकंड भी नहीं लगाते। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि लोग ये बात लाइफ में समझते हैं बट मार्केट में नहीं समझते। ऐसा नहीं है लॉस मुझसे नहीं होता है, होता है, लेकिन फिर भी फेल हो जाते हैं। तो फेल हो जाते हैं तो हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट कितना करना है, लॉस कितना करना है। आज अगर मैं ऑप्शन में ट्रेड करती हूँ, बाय करती हूँ या सेल करती हूँ, राइट करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मुझे कितना लॉस करना चाहिए? अगर मैं 5 लाख की कैपिटल से करती हूँ स्टार्ट, तो सबसे पहली बात मैं अपना सिर्फ हाफ कैपिटल यूज करूंगी, और वो भी उससे ज्यादा नहीं करूंगी। उसमें भी ये नहीं है कि पूरा का पूरा लगा दूंगी। मैं एक लॉट के पीछे एक बार में एक ही लॉट ट्रेड करूंगी, अगर मेरा कैपिटल 5 लाख है तो। क्योंकि राइटिंग के लिए मुझे मार्जिन चाहिए, बाइंग के लिए प्रीमियम चाहिए। और 5,000 से 6,000 रुपए से ज्यादा का लॉस मैं प्रेफर नहीं करती हूँ और मैं अपना स्टॉप लॉस 5,000 6,000 रुपए पे लगा देती हूँ। उससे क्या होता है कि मान लो मैंने 5-6 महीने भी सपोज करो मेरे खराब गए तो भी कितना नुकसान हुआ। और महीने का मेरा फिक्स है कि 20,000 25,000 हुआ, लॉस खत्म, ये महीने और कोई ट्रेड नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और 3 महीने तक अगर ऐसा हो गया तो एक बार 1 महीने का ब्रेक ले लेना, क्योंकि मार्केट और मेरी रीडिंग में फर्क आ रहा है। उसके बाद 1 महीना ही काफी है सारा कुछ रिकवर करने के लिए, क्योंकि 20-25,000 का लॉस कर रिकवर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही अगर आपने 2-2.5-3 लाख का लॉस कर दिया, उसको रिकवर करने में आपका हालत खराब हो जाती है। ये तो मेरा मानना होता है। मैंने देखा है कि इन दिनों जितने भी लोग मार्केट में आ रहे हैं, एवरेज कैपिटल मोरलेस लोगों का 2 लाख से 5 लाख के बीच में, और वो पूरा लगा देते हैं। हाँ, तो ये एक प्लान बताइए ना इन लोग को कि कैसे करना चाहिए इनको। पहले मुझे एक बात बताओ, वो जो 2 लाख रुपए लगाते हैं या 5 लाख रुपए लगाते हैं तो पीछे उनके पास और कितना बचा हुआ है? चले मान लेते हैं कि उन्होंने इतनी समझदारी दिखा रखी है कि पीछे में जो पैसा पड़ा है उससे घर चल रहा है, उसको उन्होंने रिस्क पे नहीं लगाया है। और ये 2 लाख से 5 लाख डिस्पोजेबल कैपिटल है, मतलब ये डूब भी जाएगा तो उनके इतना प्रेशर नहीं आएगा उनके ऊपर में। तो उसको कितने दिन में खोना है? देखिए, खोने का इंटेंशन से तो कोई आ नहीं रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं सीधे सीधे भाषा में कहती हूँ, मरना मैं नहीं चाहती, मैं मरने के इंटेंशन से नहीं हूँ। करेक्ट। हाँ, बट कैन यू डिनाई दैट फैक्ट? एकदम भी नहीं, ये तो सबसे बड़ा सत्य है। तो मैं खोने के इंटेंशन में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन लॉस लग गया तो सही बात है। अब मुझे उसका जवाब दीजिए। पहले मैंने क्या कहा, हम प्रैक्टिकल लाइफ में जो सोचते हैं वो मार्केट में नहीं सोचते हैं। साइकोलॉजी मेरी यहाँ पे आती है। आप समझ गए मेरी बात? समझ गया मैं, समझ गया। तो चलिए मैं एक केस स्टडी लेता हूँ कि मेरा नाम राजेश है और मैं 2 लाख रुपए लेके आया हूँ और मुझे सबने बोला है कि बहुत पैसे बनते हैं मार्केट में, और जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स है वो बोल रहे हैं कि आपको कुछ खर्चा नहीं लगेगा, आप आके ट्रेड करो। तो ये 2 लाख रुपए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूं कि अगर 1 साल के अंदर में 2 लाख खत्म हो गया तो मैं इस बाजार से निकल जाऊंगा, मैं फिर नहीं आऊंगा फॉर द टाइम बीइंग। तो मेरे पास 1 ही साल है। आर यू प्रैक्टिकल? नहीं, आप बताइए, मैं तो आपको एक केस स्टडी दे रहा हूँ। नहीं, आपने केस स्टडी दी है, बट इज इट प्रैक्टिकल है? क्या आप लोग इतना स्ट्रांग होते हैं? पहली बात तो ये है, नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, आपने तो एक आइडियलिस्टिक केस स्टडी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग समझ पाए कि ये होना चाहिए, बट हाँ ठीक है, मतलब नहीं होते, 99% लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। चलिए, मैं मान लेती हूँ आप एक बहुत आइडल पर्सन है और आइडियल पर्सन के हिसाब से आप एकदम परफेक्ट ये सोचते हैं कि 2 लाख को लेके चलते हैं और ये 2 लाख रुपए साल भर में टूट जाएगा तो मैं मार्केट छोड़ दूंगा। एग्रीड। तो सबसे पहली बात, आप 1 लाख रुपए लगाइए, 1 लाख को साइड रख दीजिए। अच्छा, ओके। और आप 1% से ज्यादा तोड़िए मत। 1% 1 लाख का हुआ, अगर आप ऑप्शन में 2 लाख का 1%, हाँ, मतलब 2,000 रुपए, 2,000 से 2,500 रुपए से ज्यादा आपका नुकसान नहीं होना चाहिए पर ट्रेड। ओके। महीने में 5% गए आउट ऑफ द ट्रेड। महीना आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं करेंगे, मार्केट को वॉच करेंगे, स्टडी करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे व्यूज और मार्केट की रीडिंग जो होती है वो मैच नहीं करती है। हम कितना भी कोशिश कर लें, हम कहीं ना कहीं अटक ही रहे हैं। ये सबके साथ होता है। तो अगर मैंने समझो 10,000 रुपए का नुकसान कर दिया अगर 2 लाख के कैपिटल में, तो मैं पूरे साल भी अगर लॉस करूँ ना तो भी मेरा 1.25 लाख रुपए का ही लॉस होगा। सही बात है। 80,000 रुपए तो बच गए फिर भी। लेकिन मैंने क्या कहा कि 3 महीना लॉस हुआ है ना, तो स्टडी करो भाई, एक महीने का ब्रेक ले लो, फिर ट्राई करो, फिर 3 महीना ट्रेड करो। अब दोनों बार ऐसा हो गया ना तो कुछ गड़बड़ है, वापस से स्टडी करके आओ तो आपके सिर्फ 50-60 हजार रुपए टूटेंगे। सही बात है। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.